हेलो एवरीवन, रिसेंटली सीबीडीटी ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था 21 अप्रैल को। नोटिफिकेशन नंबर था 37/2022, जिसमें कि उन्होंने चार तरह की ऐसी कंडीशंस स्पेसिफाई कर दी थी जिसमें आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी हो जाएगी, भले ही आपकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट हो, यानी कि 2.5 लाख रुपए से कम की हो। इन चार सिचुएशंस के अलावा तीन सिचुएशंस पहले ही स्पेसिफाई की जा चुकी हैं जो हमें ऑनलाइन ITR फाइलिंग के टाइम पर दिखती हैं। तो टोटल यहाँ पर 7 तरह की कंडीशंस ऐसी हो गई हैं जिसमें आपके लिए ITR फाइलिंग कंपलसरी हो गई है, भले ही आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम की हो। डिटेल में वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस स्पेसिफाई की गई हैं तो चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन 7 तरह की सिचुएशंस के अलावा भी 9 ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें कि आपके लिए ITR फाइलिंग कंपलसरी है, भले ही आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए के नीचे आती हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जबकि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है, ज़रूर आपको फाइल करना है, वरना आपको आ सकता है इनकम टैक्स से नोटिस, भले ही आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए के नीचे आती हो। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन है योर ग्रॉस टोटल इनकम, 80C से लेकर के 80U तक जितने भी डिडक्शंस हमें मिलते हैं, उन डिडक्शंस को लगाने के पहले जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आती है वो अगर आपकी 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की है तो आपके लिए ITR फाइलिंग कंपलसरी है। सीनियर सिटीजन्स के केस में ये लिमिट 3 लाख रुपए की है। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा की आ रही है तो आपके लिए ITR फाइलिंग कंपलसरी है। और इसी तरह से सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख रुपए के ज़्यादा आ रही है तो आपके लिए ITR फाइलिंग कंपलसरी है। इसके बाद दूसरी सिचुएशन है कि इफ़ यू आर अ कंपनी और अ फर्म, अगर आप एक कंपनी हैं या फिर आप एक फर्म हैं तो आपके लिए ITR फाइलिंग कंपलसरी है, भले ही आपका प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो। अगर लॉस हो रहा होगा तो आपके लिए टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो जाती है, और इनकम हो रही है तो आपको ITR फाइल करना कंपलसरी है, लॉस के केस में तो है ही। इसके बाद तीसरी सिचुएशन हो जाती है कि अगर आप अपना इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तब भी आपके लिए ITR फाइलिंग कंपलसरी है। अगर आप ITR फाइल नहीं करेंगे तो आप रिफ़ंड क्लेम नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप FD का TDS क्लेम करना चाहते हैं या अपनी सैलरी का TDS क्लेम करना चाहते हैं तो आपके लिए ITR फाइलिंग मैंडेटरी है। अगर आप ITR फाइल नहीं करेंगे तो आप TDS का रिफ़ंड क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो जाती है, यू वॉन्ट टू कैरी फॉरवर्ड अ लॉस अंडर हेड ऑफ इनकम। अगर आप किसी भी हेड ऑफ़ इनकम में अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो, चाहे वो शेयर मार्केट से लॉस हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स का लॉस हो, चाहे वो बिजनेस लॉस हो, अगर आप किसी भी हेड में अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपके लिए ITR फाइलिंग मैंडेटरी है। अगर आप ITR फाइल नहीं करेंगे तो आप अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। लॉस के केस में एक और भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको हमेशा अपने ITR ड्यू डेट के पहले फाइल कर देनी है। अगर आप बिलेटेड ITR फाइल करते हैं तो आपको कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस का बेनिफिट नहीं मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन है, इनकम टैक्स रिटर्न आपके लिए मैंडेटरी है अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं बट यू हैव एन असेट और फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया अगर आप किसी एंटिटी में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं या अगर आपका कोई असेट है आउटसाइड इंडिया, तब भी आपके लिए ITR फाइलिंग मैंडेटरी है। नेक्स्ट सिचुएशन है, यू आर अ रेसिडेंट एंड अ साइनिंग अथॉरिटी इन फॉरेन अकाउंट। अगर आप किसी फॉरेन अकाउंट में या फॉरेन कंट्री में साइनिंग अथॉरिटी रखते हैं तब भी आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी है, भले ही आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया हों। इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन है, अगर आप किसी प्रॉपर्टी से इनकम डिराइव कर रहे हैं और वो प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट की है, चैरिटेबल या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की है, पॉलिटिकल पार्टी की है, रिसर्च एसोसिएशन, न्यूज़ एजेंसी, एजुकेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ट्रेड यूनियन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेट फंड, एनी अथॉरिटी और बॉडी और ट्रस्ट, अगर इन सभी जगहों पर किसी प्रॉपर्टी से आपको कोई इनकम डिराइव हो रही है तब भी आपके लिए ITR फाइलिंग मैंडेटरी है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल एन ITR इफ़ यू आर इन रिसिट ऑफ इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर अ ट्रस्ट फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पजेज, पॉलिटिकल पार्टी, रिसर्च एसोसिएशन, न्यूज़ एजेंसी, एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ट्रेड यूनियन, नॉट फॉर प्रॉफिट यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेट फंड, एनी अथॉरिटी, बॉडी और ट्रस्ट। इसके बाद इफ़ यू आर अ फॉरेन कंपनी टेकिंग ट्रीटी बेनिफिट्स ऑन अ ट्रांजेक्शन इन इंडिया,
अगर आप एक फॉरेन कंपनी है लेकिन ट्रीटी बेनिफिट्स ले रहे हैं इंडिया में, तब भी ITR फाइलिंग कंपल्सरी है। और लास्ट में है कि अगर आप किसी लोन या वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तब भी ITR फाइलिंग मैंडेटरी है, भले ही आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम की हो। तो ये ऐसी 9 सिचुएशंस हैं जहां पर कि आपके लिए ITR फाइलिंग मैंडेटरी हो जाती है, भले ही आप ये क्लेम करते हो कि हम 2.5 लाख रुपए से कम की इनकम रिसीव करते हैं और आप ITR फाइल नहीं करते हो। तो इन सारी कंडीशंस में से अगर आपके ऊपर कोई भी एप्लीकेबल हो रही है तो ITR फाइलिंग आपके लिए मैंडेटरी हो चुकी है। इन 9 कंडीशंस के अलावा 7 कंडीशंस पहले ही नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेसिफाई की जा चुकी हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो टोटल यहाँ पर ऐसी 16 कंडीशंस हो चुकी हैं जिसमें कि आपके लिए ITR फाइलिंग मैंडेटरी हो गई है, भले ही आपकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।